तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, डे 33 की यानी कल मंडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है जवान की। और कल शानदार तरीके से इसने अपना दिन कंप्लीट किया था, वो भी कल फिफ्थ मंडे था, कोई साधारण मंडे नहीं था। इट मीन्स ये कि 33 दिन तक आते आते मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। यहाँ तक आते आते मूवी की कलेक्शन लैक्स में हो जाती हैं, हिंदी के बता रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज सिंगल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फिर भी कहीं ना कहीं ठीक रहता है, और उसके बाद ग्रॉस कलेक्शन तो ठीक रहता ही रहता है, उसका ओवरसीज से भी कम आंकड़ा देखने को मिलने लग जाता है। बट जवान में वो पोटेंशियल है, वो दमखम दिखा रही है। जैसा पठान के टाइम पर रुझान चला था, वही रुझान जवान के टाइम पर भी चल रहा है। बट इस टाइम तक आते आते पठान के क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होने लग गई थी, लेकिन जवान अभी भी ज़बरदस्त कमाई कर रही है। और साथ में इतना सारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसके बावजूद फुकरे 3 अलग लेवल की रेंज पकड़ के ज़बरदस्त कमाई कर रही है डे बाई डे। एंड मिशन रानीगंज उसको अच्छे खासे रिव्यू मिले हैं, कॉन्टेंट बेस पर वो भी हाथ मार रही है, काफ़ी सोच जो है अपने नाम करते आ चुकी है। लेकिन मैं दाद देनी पड़ेगी यार शाहरुख खान की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग की, उनके स्टारडम की, कि इतनी ज़बरदस्त फिल्में होने के बावजूद फुकरे 3 एक ब्रांड है, कोई भी बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, कोई कैसा कुछ नहीं, लेकिन कंटेंट किंग है, वो ब्रांडिंग सेट कर रखी है फुकरे ने। उसके बाद मिशन रानीगंज अक्षय कुमार का जो ब्रांड नेम चिपका हुआ है, अक्षय कुमार जो ये लगातार फिल्में लाते रहते हैं, इसका भी उन्हें पिटफॉल झेलना पड़ रहा है इस टाइम, इस वजह से उनके इस कंटेंट को उतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिल रहा है। बट शाहरुख खान के केस में क्या हुआ कि जब ये फ्लॉप हुए थे, जब इनकी कहानी नहीं चल रही थी, तब इन्होंने गैप लिया, ना कि एक साल दो साल बल्कि 4 साल का गैप लिया, और ज़बरदस्त गैप लिया, शांति से काम किया, और अभी जो फूट रहे हैं वो हम सब देख ही रहे हैं, इसके लिए मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कल अगर मैं बताऊं तो हिंदी से मूवी ने कल कितनी कलेक्शन करी थी, 1.02 करोड़ की ह्यूज कलेक्शन करी थी सिर्फ सिंगल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से। हिंदी में मैं कह रहा हूँ ना, आँख फाड़ रखी है। यहाँ तक पठान ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया था, उससे पहले बाहुबली 2 ने किया था, लेकिन उसके बाद बाहुबली 2 को भी खदेड़ दिया। फिर उसके बाद गदर 2 ने नंबर 1 पर आ चुकी थी पठान को भी खदेड़ कर, और मात्र 2 ही दिन के लिए आ पाई थी। लेकिन जवान ने जैसे ही पठान का रिकॉर्ड टूटा, उसके 2 दिन बाद जवान ने, मतलब शाहरुख खान ने दोबारा से अपनी फिल्म जवान से हिंदी में नंबर 1 आ गए गदर 2 को बीट डाउन करके। तो अभी सेकेंड नंबर पर हिंदी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन के मामले में गदर 2 है, 3rd नंबर पर पठान है, 4th नंबर पर बाहुबली 2 है, और 5th नंबर पर KGF 2 है। KGF 2 को तो इसने 16-17 दिन के ही अंदर पछाड़ दिया था। वहीं अगर तमिल तेलुगु से बताऊं तो मात्र 3 लाख का ही कलेक्शन आया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब मूवी चल चुकी है, कौन सी, स्कंदा, और हाल ही में एक मूवी और रिलीज हुई है, उसके बारे में मुझे इतनी खैर अपडेट है नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो टोटल नेट कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक हुआ था 1.05 करोड़। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूं, 33वें दिन तक आते आते उसके साथ इतना कॉम्पिटिशन मिलने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस यहाँ ये फिल्म देख चुकी है, उसके बावजूद भी 1.05 करोड़ की कलेक्शन करना मामूली बात नहीं है, वो भी वर्किंग डे में। कल मंडे वर्किंग डे था, फुल वर्किंग डे था। तो हिंदी से अभी तक टोटल अब हो चुका है 667 करोड़। पॉइंट में बताएंगे, अब देखो ना पॉइंट वाला जो कलेक्शन नोटिस करना भी बहुत ज़रूरी है। होता क्या था, पिछले 10-12 दिन पहले तक पॉइंट में जितनी भी कलेक्शन हो रही है मैं नहीं देता था उसको इतना फुटेज, मैं नहीं बोलता था, लेकिन अब बोलना जरूरी हो गया, क्योंकि अभी 1-1 लाख की कीमत है यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो कल हिंदी से टोटल हो चुका है अभी तक पहले 33 दिन तक 667.40 करोड़, तमिल से हो चुका है 29.96 करोड़, तेलुगु से अभी तक हो चुका है कल एंड ऑफ द डे तक 27.72 करोड़, और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका है 625 करोड़ का। ह्यूज एंड अमेजिंग कलेक्शन भाई साहब, मज़ा आएगा, क्योंकि नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में भी ये मूवी अब नंबर 1 पर आ चुकी है, हिंदी कलेक्शन के मामले में भी ये मूवी नंबर 1 पर है, और नेट इंडियन कलेक्शन में भी ये नंबर 1 पर आ चुकी है बॉलीवुड की हिंदी मूवी के। कॉम्पिटिशन के बारे में अगर बात करें तो हाँ, बाहुबली 2 से भी ये पीछे है। ग्रॉस यहाँ पर हो चुका है कितना, 743 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन। ओवरसीज से कल आया था 376.50 करोड़, और टोटल हो जाता है अभी तक कल एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से 1119 करोड़, इट मींस ये 119 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज अमेजिंग कलेक्शन मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि 1100 करोड़ तक की उम्मीद मुझे नहीं लग रही थी, बस इतना था कि यार पठान के रिकॉर्ड को ये
आसपास मैचअप कर जाएगी या एक बार के लिए 5-10 करोड़ से बीट डाउन कर देगी। लेकिन जब इसने शुरुआत करी थी, जब इसकी ओपनिंग हुई थी, पहले 5 दिन का रुझान देखकर लग रहा था बाय गॉड ये 1500 करोड़ में जाके टिकेगी। लेकिन वही चीज़ है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने पहले हफ्ते में ही, पहले 10 दिन में ही, पहले 4 दिन में ही बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस ने इस मूवी को देखकर कंप्लीट कर लिया था। बाद में बची कुची ऑडियंस आती रही, लोगों ने डबलिंग भी करी है, ट्रिपलिंग भी करी है, क्योंकि बाय वन गेट वन का जो ऑफर चला था उसका भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। इस टाइम पर भी टिकट के प्राइस स्लो हो चुके हैं। तो यहाँ पर मूवी 1119 करोड़ कंप्लीट कर गई भाई साहब। अगर मैं ये फिर कह रहा हूँ कि 19 या 20 तारीख से पहले इसने 1150 करोड़ अगर कंप्लीट कर लिया, अभी लियो का आना पूरे 9 दिन बाकी हैं और गणपत के आने के लिए पूरे 10 दिन बाकी, तो 9 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। सैटरडे संडे एक और आना है, उसमें पूरी बाजी पलट सकती है। मात्र 31 करोड़ और चाहिए इसको 1150 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करने के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ शायद ये कंप्लीट कर जाए। अभी देखो प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट का अभी आ चुका है, मेकर्स ने रिवील करा है ये कि 730 करोड़ का प्रॉफिट मूवी ने कंप्लीट कर लिया है, कवर अप कर लिया है सब कुछ, टैक्स वगैरह सब काट के, उसका बजट काट के। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मालामाल हुए हैं कौन, शाहरुख खान, क्योंकि रेड चिली एंटरटेनमेंट इसका प्रोडक्शन हाउस है और जो रेड चिली कंपनी किसकी है, शाहरुख खान की कंपनी है। तो यस, पूरे के पूरे ये जो पैसे आए हैं ये शाहरुख खान के पास हैं भाई, सब मालामाल हो चुके हैं। पठान के टाइम पर क्या होता, पठान के टाइम में भी प्रॉफिट में बताऊं 660 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने कवर अप किया था यशराज फिल्म मेकर्स ने, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हाउस YRF था। लेकिन वहां पर फीस कितनी थी शाहरुख खान की, मात्र 200 करोड़। तो इट मींस ये कि लगभग YRF वालों को 460 करोड़ का मुनाफा मिला था। लेकिन यहां पर शाहरुख खान खुद, ये रेड चिली जो प्रोडक्शन हाउस है इसके मालिक हैं, तो पूरी की पूरी कलेक्शन इनको ही आने वाली है। ये प्रॉफिट है, लाइफ टाइम कलेक्शन सारा टैक्स वैक्स मिलाकर जवान का इस टाइम कितना हो चुका था, 1119 करोड़, और पठान का था 1050 करोड़। बट प्रॉफिट ही प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो चुका है भाई साहब, मज़ा आ गया। तो दिस इज़ द ह्यूज कलेक्शन। तो अभी बात करते हैं कि ये मूवी और कितनी कलेक्शन कर सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ 1150 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन आ जाएगा। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।